नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ट्रू सॉल्यूशन में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है और काउंसलिंग के लिए फॉर्म भी अप्लाई किए जा रहे हैं। तो जो जो लोग इसमें क्वालिफाइड हुए हैं वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें, सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वेबसाइट upbasicedubord.gov.in पर जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले आप स्टेप वन में देखिए, आपको सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे रखे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप सारी फाइल PDF फाइल में डाउनलोड करके सारे दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। फॉर्म को फिल करने के लिए आप दोबारा बैक जाएंगे और स्टेप टू पर लिखा हुआ आवेदन करें, इस आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आप 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ नंबर दो पर अपनी जन्मतिथि भरेंगे। जन्मतिथि आपको कैसे भरनी है, सबसे पहले आपको अपना ईयर डालना है, फिर माइनस या डैश का निशान, फिर मंथ, फिर इसी प्रकार से माइनस या डैश का निशान, फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है। तीसरे नंबर पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो कि आपने 69,000 का फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर फिल किया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे और इस वाले कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। OTP के लिए आपको लगभग 5 मिनट इंतज़ार करना होगा। अगर 5 मिनट के बाद OTP नहीं आता है तो आप रीजनरेट OTP करेंगे। अगर OTP आ गया है तो उस OTP को यहाँ लिखा हुआ एंटर OTP, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे, आप इस वाली विंडो पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म अपना भरा हुआ आ जाएगा, जो कि आपने उस समय 69,000 का जब फॉर्म आया था तब फिल किया था। तो जो भी डिटेल आपने उस समय फिल की थी, वही डिटेल आपको यहाँ सेम टू सेम आ जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। जो आपने पहले भर दिया था वही आपको यहाँ पर सामने आ जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उस 13 नंबर तक आपको आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। आपको फॉर्म भरना है 14 नंबर से। तो जैसे ही आप 14वें नंबर पाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए 14वें नंबर पर लिखा हुआ है, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप शिक्षा मित्र नहीं हैं तो ये 14 नंबर का पॉइंट आपको नहीं फिल करना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर पर लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके देखिए पूछ रहा है फोटो पहचान का प्रारूप, तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की ID दे रखी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये तीनों ID आपको यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो जो भी आपके पास ID हो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उस ID का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहे पहले का हो या बाद का हो, वो ऑनलाइन शो होना चाहिए। तो अगर आपका वो ऑनलाइन शो होता है तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए 17वें नंबर पर लिखा हो राष्ट्रीयता, यहाँ पर आप इंडियन फिल कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है, देखिए 18वें नंबर पर पूछ रहा है निवास की स्थिति, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप उत्तर प्रदेश क्लिक करेंगे और अगर आप किसी और राज्य के हैं तो आप बाहर राज्य पर क्लिक करेंगे। उसका देखिए 19वें नंबर पर आता है वरीयता क्रम भरें, यहाँ पर आपको अपने पूरे 75 जिले अपने ही हिसाब से फिल करने हैं, कि कौन सा ज़िला आप पहले रखना चाहते हैं, कौन सा ज़िला बाद में रखना चाहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कॉपी पर पूरे 75 जिले अपने हिसाब से नंबर वाइज सेट कर लीजिए, कि आपको पहले ये वाला ज़िला देना है, उसके बाद ये वाला ज़िला देना है, उसके बाद ये वाला ज़िला देना है और सबसे बाद में ये वाले ज़िले देने हैं। पूरा कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर फिल कीजिएगा। यहाँ पर फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको सबसे पहले आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको लखनऊ है तो आपको लखनऊ को पहले नंबर पर रखना है, तो आप नीचे जाएंगे और लखनऊ के आगे वाले बॉक्स में नंबर 1 डाल देंगे। उसके बाद अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बाराबंकी भरना चाहते हैं तो बाराबंकी के आगे नंबर 2 डाल देंगे। इसी प्रकार अगर आगरा 3रे नंबर पर रखना चाहते हैं तो आगरा के आगे नंबर 3 पर नंबर 3 डाल देंगे बॉक्स में। इसी प्रकार आप जो ज़िला जिस नंबर पर रखना चाहें उस ज़िले के आगे वही नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आपको कोई ज़िला लास्ट में 75वें नंबर रखना है तो उस ज़िले के आगे आप 75 डाल देंगे। इस प्रकार से सारे ज़िले आपको अपने हिसाब से फिल करने हैं, इनको बड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा। सारे ज़िले फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी ज़िलों का क्रम भरने के बाद आप देखिए लिखा हुआ है रेड कलर में, यहाँ टिक करें, इस पर टिक करेंगे, फिर ये वाला कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों, सबमिट करने से पहले आप एक बार इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा,
हो सकता है कि आप अगर यही वाला कैप्चा कोड डाल दें और सबमिट करें तो आपका एरर आ जाए। तो सबमिट करने से पहले आप इस वाले यहाँ से इस वाले कैप्चा कोड को रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो उस नए वाले कैप्चा कोड को यहाँ फिल करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इस वाले विंडो पर जाएंगे। फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आप स्टेप 3 लिखा हुआ अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहां पर फिर से आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और इस वाले कैप्चा कोड को डालेंगे। फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कब साइबर कैफे बंद हो जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आप अपना प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर हार्ड कॉपी में रख लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।